भैया ये देखिए ताइवान पिंक, ये हम लोग गुटी बनाया, ऐसा गुटी बनाता हूँ। अंदर आओ कुलोन का आता है, हम उधर से ही लेके आए थे, लेकिन उधर से लेके आने का बाद मैं इधर लगाया, फिर ये ऐसा हम लोग कलम बनाता हूँ। ये देख लीजिए ऐसा, अभी कलम का पौधा भी लास्ट में दिखाता हूँ कैसा आता है, कितना बड़ा आता है। अरे कलम का पौधा की जितना ये लगाएगा, कलम का पौधा लगाने का बाद क्या होता है, इसमें जितना जल्दी जितना ज़्यादा फल आएगा, लेकिन आपका वो कलोन का प्लांट में इतना ज़्यादा फल नहीं आएगा, क्योंकि इसका काड़ी देखो कितना मोटा होता है। ये काड़ी अगर इधर से जब कटिंग करके लगाएंगे तो नया नया सब ब्रांच आ जाएगा ना, तो तुरंत तो उसका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, वह प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है। ये प्लांट देखिए, ये 1.5 साल का है, 1.5 साल का है, 18 महीना का ये प्लांट है। ये प्लांट कितना बड़ा है, इसका पहले एक बार इस सीजन में गुटी बना लिया है, तो गुटी सेडिंग हो गया, वो दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरा ताइवान पिंक गवा का प्लांट है, बगीचा है, ताइवान पिंक गवा का बगीचा है। इसमें अभी 10-12 हजार गुटी बनाया। ये प्लांट क्या है, और 1 महीना बाद ये पूरा मूली में भर जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट आने का बाद क्या है, वो कटिंग करके थोली में डाल देंगे, फिर 1-1.5 महीना बाद ये सेडिंग पूरा सेडिंग हो जाएगा, दे सकता हूँ। और ये पौधा अभी मेरा पास रेडी है, अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वेस्ट बंगाल मुंडोल नर्सरी से बोल रहा हूँ, मेरा पता वेस्ट बंगाल चाकला मुंडोल नर्सरी से मैं बात कर रहा हूँ। ये पौधा अभी मेरा पास बहुत रेडी है, ऐसा हम लोग देखो गुटी बनाता हूँ, ऐसा देखो। ये 18 महीने का प्लांट है, 18 महीने का, एक एक प्लांट ये 18 महीने का है, 18 महीने पहले ये प्लांट लगाया था। ऐसा प्लांट अभी मेरा पास बहुत रेडी है, किसी को चाहिए तो बोल सकते हैं, मैं दे देंगे। बोल रहा हूँ था ना, ये वो जो गुटी बनाया था, गुटी का प्लांट देखो कितना अच्छा, कितना अच्छा सेडिंग हो गया, देखो पूरा इतना थोली ये थोली में, ये देखो पूरा सेडिंग हो गया। इसका पेरू भी है, देखो ये कोई सोचता है कि पौधा पे पेरू आएगा कि नहीं, ये देखो ऐसा पेरू आ गया, अमरूद आ गया, देखो इसमें ये फिर फूल है, फूल भी है, ऐसा प्लांट रेडी हो गया। ऐसा प्लांट अभी मेरा पास प्लांट रेडी है।